wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Oh, hey guys, कैसे हो आप सभी? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सिल्क थ्रेड ज्वेलरी कलेक्शन. आई होप गाइस कि मेरा ये छोटा सा, हर बार मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि छोटा सा. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना सिल्क थ्रेड ज्वेलरी कलेक्शन. आई होप गाइस कि मेरा ये कलेक्शन आप लोगों को पसंद आएगा. और ये सारे जो कलेक्शन है ना, ये मैंने अपने खुद के हाथों से बनाया है. यानी कि ये सारी क्रिएटिविटी जो है ना, मेरी खुद की है. और सिल्क थ्रेड ज्वेलरी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो मुझे सिल्क थ्रेड ज्वेलरी बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है. और इस ज्वेलरी से मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस भी किए हुए हैं, तो बिजनेस के बारे में आज बात नहीं करूँगी. आज सिर्फ अपने कलेक्शन के बारे में बात करूँगी. तो आज मौसम पूरे दिन इतना अच्छा रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ा सा ठंडा और कूल होगा, लेकिन नहीं हुआ. तो आज मैंने पहना है अपना लॉन्ग गाउन. बहुत टाइम के बाद मैंने ये वाला गाउन निकाला है. मैंने इसको रख दिया था जयपुर, जब मैं जयपुर से आई थी उसके बाद मैंने इसको रख दिया था पैक करके. उसके बाद मैंने पहना ही नहीं. तो इसको मैंने एक दो दिन पहले धो के रखा था कि किसी वीडियो में पहन लूँगी, थोड़ी सी अच्छी दिख जाऊँगी, अट्रैक्टिव दिख जाऊँगी. तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ. मैंने बनाई है चुट्टियाँ इस तरीके से. तो अब आप कहोगे कि दीदी इतना पका क्यों रही हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा सिल्क थ्रेड ज्वेलरी कलेक्शन. और ज़्यादा नहीं है अभी मेरे पास, पहले बहुत था, अभी बहुत कम हो गया है. तो ये सारी जो है मेरी खुद की डिज़ाइन है, जो भी मैंने इसमें क्रिएटिविटी करी है, खुद करी है. तो ये वाला कड़ा जो है, फर्स्ट वाला, अभी ख़राब हो रहा है. काफ़ी टाइम से मैंने इसको बनाया था, तो इसके जो स्टोन है ना, एक दो में से स्टोन निकल रहे हैं. तो इसको मैं रिमूव करके दोबारा रीयूज़ करूँगी. तो सबसे पहला वाला जो मेरा, अभी आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं इसमें इस अभी मिरर ही अटैच है, अभी ये कंप्लीट नहीं है. दूसरा वाला, पहला वाला रेडी है इस तरीके से. तो ये है मेरा फर्स्ट बैंगल सेट, जो कि बहुत प्यारा लगता है इस तरीके से. आप हाथों में पहन सकते हैं और आप चाहे तो चूड़ियों के बीच में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा कड़ा है, तो आप इनको बीच में ही यूज़ कर सकते हैं. अभी जो मैं आपको कड़े दिखा रही हूँ, ये आप चूड़ियों के बीच में ही यूज़ कर सकते हैं. किनारी पे बहुत कम लगता है. या तो इनके पूरे सेट हो, यानी कि चार पीस हो, दो का पूरा सेट हो, तब अच्छा लगता है. उसके बाद नेक्स्ट ये गोल्डन कलर का है. ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे सिल्क थ्रेड ही हैं. तो सेकंड वाला इस तरीके से है. इसमें मैंने स्टोन चैन का और पर्ल जो चैन आती है, पर्ल चैन का भी इसमें बीच में मैंने पर्ल चैन का वर्क किया हुआ है. किनारी मैंने पतले वाले स्टोन चैन का जो है इसमें यूज़ किया हुआ है. और इसको भी मैंने काफ़ी चौड़ा बनाया है. इसको भी मैंने अपने बीच के चूड़ियों के साथ मिक्स करने के लिए बनाया है. और आपको ये जो कड़े हैं, बिल्कुल भी देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये हाथ से बने हैं या फिर मार्केट के नहीं हैं. आपको दूर से देख के भी पता चलेगा इनका वर्क, इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल मार्केट जैसा ही होता है. सिर्फ आपको अंदर जब आप देखोगे तो आपको धागा दिखेगा, अदरवाइज़ ये बाहर जो रेडीमेड आते हैं बैंगल्स, उनसे ज़्यादा अच्छा प्यारा ये दिखता है. काफ़ी अट्रैक्टिव यही ये वाला हैंडमेड ज्वेलरी दिखती है. वो हैंडमेड ज्वेलरी की बात ही कुछ अलग होती है. हैंडमेड ज्वेलरी हैंडमेड ही होती है, काफ़ी अच्छी लगती है. उसमें किसी की मेहनत होती है, किसी की क्रिएटिविटी होती है. तो मैं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. लेकिन किसी को मोटिवेट करना चाहिए, डीमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए. अगर कोई मेहनत कर रहा है, अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कोई वीडियो बना रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो उसको आप लोगों को जो उसकी मेहनत है उसके लिए लाइक देना चाहिए. आपका इससे कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आप लोग बिना लाइक किए चले जाते हो. तो ये देख सकते हैं, फर्स्ट वाला मैंने ये रेड वाला दिखाया था इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत सिंपल है. मैंने इसको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया है. ये सेकेंड वाले में मैंने काफ़ी वर्क किया है इस तरीके से. दूर से देखोगे तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा. साड़ियों में जो है गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा होता है, तो गोल्ड बीच में आप एक कड़ा पहन लीजिए और साइड साइड में
कुछ इंक्लूड कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। अब मेरे पास ये पर्पल कलर का है तो इसके साथ मैं इस तरीके से अटैच करके भी पहन सकती हूँ। तो देख सकते हैं, जिस जिस भी कलर की चूड़ियों के साथ आप इसको वेयर करेंगे, इसका लुक चेंज हो जाता है। तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, घर पे ही चूड़ियों का मिक्स एंड मैच करना चाहिए। बाहर मिक्स एंड मैच अगर हम किसी चीज़ का कराते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा हमारा चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी और एक सेट है, और ये मैंने रक्षाबंधन पे बनाया था, ये वाला रक्षाबंधन से एक दिन पहले। और ये पीच कलर का है, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें मैंने ये वाले जो है लाइनिंग वाले जो स्टोन, तो ये वाले स्टोन के साथ मैंने बनाया है इसको, गोल्डन के साथ बनाया है मैंने इसको इस तरीके से। ये भी बीच में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके का आप कड़ा जो है, अगर आप सिंगल भी एक हाथ में भी सिंगल भी पहनते हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप अगर इनको चूड़ियों के साथ अटैच करके पहनना चाहते हैं तो आप इनको चूड़ियों के साथ अटैच करके भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने चार का सेट बनाया है, ये भी पीच कलर का बनाया है। मैंने इसके साथ ही इन चारों को बनाया था ताकि मैं मिक्स एंड मैच कर सकूँ। इस तरीके का कोई मेरी इस कलर का कोई ड्रेस था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया था, लेकिन मैंने इसको रक्षाबंधन पे वेयर नहीं किया था, बना के रख दिया था इस तरीके से। तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, तो आप खुद देख पा रहे होगे कि काफ़ी अच्छा और प्रिटी लग रहा है। और मार्केट में आप बिलीव नहीं करोगे, मार्केट की क्या बात करूँ मैं, ऑनलाइन की बात करती हूँ, सिर्फ आपको दो कड़े का सेट 450, 350, 600, 700 ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के रिव्यू देखे हैं, उन्होंने सिल्क थ्रेड के बैंगल्स मंगाए हैं मीशो से। बहुत कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए ये बेस्ट पार्ट है कि मुझे जो है ज्वेलरी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे जिस टाइप की भी ज्वेलरी चाहिए वो मैं खुद ही घर पे ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से है, और सेकेंड वाला ये है इस तरीके से। तो अगर आप लोगों को मेरा ज्वेलरी सिल्क थ्रेड ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहता है, बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ मैं आपके कमेंट्स का कि आपको कैसा लगा, आपको वाकई मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस तरीके से मैंने अपने सिल्क के जितने भी मेरे ये वाले बैंगल्स हैं इसको मैंने इस तरीके की चूड़ियों के स्टैंड में जो है मैं रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चूड़ियों का स्टैंड मेरे पास अभी फिलहाल एक ही है, पहले मेरे पास चूड़ियों के स्टैंड जो है तीन चार थे, सब इधर उधर हो गए हैं। शिफ्टिंग में 3 से 4 बार मैंने शिफ्टिंग किया है तो सब इधर उधर हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटा कड़ा है, काफ़ी चौड़ा कड़ा है। ये मैंने अपने एक लहंगे के कलर से मैच करके बनाया था। आई होप कि आपने मेरे 2 साल पहले के करवा चौथ वीडियो में इस तरीके का आपने बैंगल्स देखा होगा। बहुत बार मैंने इस वाले बैंगल्स को वेयर कर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वाइट क्रिस्टल स्टोन यूज़ किया है, साथ में स्टोन चेन यूज़ किया है, और इस तरीके से कुछ इसकी डिज़ाइनिंग क्रिएट करी है। तो ये वाला कड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन कड़ों के साथ एक चीज़ आप और कर सकते हो, जैसे कि ये आप देख पा रहे होगे कि ये धागा है जिसकी वजह से ये गंदा भी हो गया है, थोड़े थोड़े से इसके रेसेस निकलने लग गए हैं। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इसको थोड़ी देर इसके स्टोन निकाल सकते हैं, इसके धागे को काट सकते हैं, इसको हम दोबारा नया डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिल्क थ्रेड जो जो बैंगल्स होते हैं इसके साथ बहुत अच्छी अच्छी बात होती है कि आप इसको दोबारा रीयूज कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे ये चार का सेट है इस तरीके से, दो मैंने बहुत घिस के पहना है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से, इसी का मैंने सेम डिज़ाइन में गोल्डन कलर भी बनाया था। ये इस तरीके से आपको अच्छे से दिखा दूँ मैं, तो जैसा ये सेम टू सेम डिज़ाइनिंग है ना, यहाँ पे मैंने स्टोन चेन यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने जो है मोती वाला चेन यूज़ किया है रेड कलर का। तो इसको मैंने गोल्डन एंड रेड का कॉम्बिनेशन बनाया है। इसको तो मैं रिमूव नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा वेयर नहीं किया है। तो ये एज इट इज़ ही है, आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस तरीके से। इसको भी आप सिंगल कड़ा भी पहन सकते हैं इस तरीके का। आप वो अगर साड़ी भी वेयर कर रहे हैं तो सिंगल भी आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बहुत सारी चूड़ियाँ पहननी है तो ही पहन पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सिंगल भी वेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का बनाया है, ये भी इस तरीके से, इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से एक दो धागे निकल
इसको बहुत टाइम आप लगातार यूज करोगे, काफी बार यूज करोगे, उसके बाद ही कहीं से इसके धागे निकलते हैं। बहुत लोग सिल्क थ्रेड ज्वेलरी परचेज करने से डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये खराब हो जाएगा, भींग जाएगा। ये वाली मेरी चूड़िया कई बार पानी में भींग चुकी है, अभी तक ये खराब नहीं हुई। सिर्फ एक दो धागा जो कट जाता है, बहुत टाइम के बाद निकलता है, वैसे तो नहीं निकलता है। तो बीच में मैंने एक पर्ल वाला सॉरी स्टोन वाला चैन यूज किया है, बाकी यहाँ पे इस तरीके का स्टोन का यूज किया है, आप देख पाओगे। मुझे सिल्क थ्रेड ज्वेलरी हो गई, गोटा पट्टी ज्वेलरी हो गई, और जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस तरीके की ज्वेलरी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके बाद मैंने एक वेलवेट की लेस से बनाया है, इसी वाले बैंगल से बनाया है मैंने। जो ये कड़ा है ना, मैं पूरा बॉक्स ही लेके आती थी, प्लेन जितने भी चूड़ियाँ आती है तो पूरा बॉक्स ही मुझे लाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो गोल्डन बनाए थे। इसको मैंने अपने एक वन पीस ड्रेस के साथ मैचिंग करके बनाया था, आपको मैंने कई बार शेयर भी किया है। तो ये मैं सिंगल ही वेयर करती हूँ इस तरीके से। और इस पहले मैंने यहाँ पे कोई ऊन नहीं लगाया है, और ऊन की जगह पे मैंने यहाँ पे वेलवेट वाला लेस का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद ये गोल्डन कलर की गोटा पट्टी का इस्तेमाल किया है। आप इसको सिंगल ही वेयर कर सकते हैं, ये सिंगल ही बहुत खूबसूरत लगता है, आपको बहुत सारे वेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ मैं जो मेरे रिसेंट मेरे पास अभी हैं मैं वही दिखा रही हूँ। मेरे पास सिल्क की जो जो कलेक्शन है वो और भी हैं, लेकिन उसको मैं बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल अभी ये दिखा रही हूँ। उसके बाद मेरे पास इस टाइप का एक ऑरेंज कलर का है ऐसा, इसकी डिज़ाइनिंग अब मेरे इसके साथ मेरी मेरा जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि मैं इन सबको रिमूव करके फिर से बना सकती हूँ। जो मेरे सिल्क वाले कड़े ख़राब हो रहे हैं उसको मैं दोबारा सही कर सकती हूँ। और ये वाला तो एज इट इज़ ही है, ये मैंने अपने बहुत सारे साड़ियों के साथ मिक्स करके पहना है, मतलब मैच करके पहना है। और इसको मैंने जो बीच के लिए ही बनाया था, ताकि इसके किनारे में थोड़ा सा प्लेन चूड़ियाँ, थोड़े से स्टोन वाले जो पतले पतले कड़े आते हैं उसको अटैच करके इसके साथ मैं कुछ मिक्स एंड मैच कर सकूं। तो आप चाहें, अगर आपको सिंगल पहनने का शौक है तो सिंगल भी पहन सकते हैं, बट सिल्क थ्रेड ज्वेलरी के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप इसको रेगुलर वेयर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलर वे यूज़ में आप इसको लेते हैं तो आप घर के बहुत सारे काम भी करने होते हैं, तो हमारा ज़्यादातर जो है हाथ पानी में ही जाता है, तो ये पानी के ज़्यादा पानी में आने से इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो पतले वाले कड़े दिख रहे हैं ये सिल्क थ्रेड का है। तो मेरे पास इस मल्टी कलर वाले के साथ जो है के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला पतला वाला बना लिया है। तो मैं आपको इसका एक सेट दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है सिल्क थ्रेड जो कड़े से एक पूरा सेट बनाया है मैंने इस तरीके से। ये बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये मेरी मल्टी कलर की चूड़ियां हैं, सबके साथ जाती हैं। और कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें फिरोजी कलर है, मैरून कलर है, येलो कलर है, बहुत सारे कलर हैं, और मेरी किसी साड़ी से मेरी जो अगर कोई मेरी साड़ी है उसमें कोई मेरे पास चूड़ियों का कलर नहीं है, तो इनमें से ही निकाल के मैं सेट बना के रेडी कर लेती हूँ फटाफट। तो ये मैंने पतले वाले बनाए हैं, ये मैंने 8 का सेट बनाया है, 4 इसमें है और 4 इसमें है, तो इसको मैंने 8 का सेट बनाया है, ताकि ये मेरे कभी भी काम आ जाए, किसी भी साड़ी के साथ मुझे जो है मिक्स एंड मैच करने में बहुत ईजी हो। और इस तरीके से एक मैं गोल्डन कड़ा हमेशा रखती हूँ, ये वाला, ये मेरा गोल्डन कड़ा है, गोल्ड का नहीं, गोल्डन कड़ा है। सो गाइज, मेरा ये सिल्क थ्रेड का जो कलेक्शन है वो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं भी अच्छा लगा तो भी मुझे ज़रूर बता देना, ऐसा नहीं है दिल की बात जो है कमेंट्स में लिख देना, मन में मत रखना, नहीं तो पेट में दर्द भी हो जाता है कभी कभी, जो बात दिल में हो उसको जुबान पे लानी ही चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा बातें करूँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। उसके बाद मेरे पास ये वाला मैंने ब्रेसलेट बनाया था, बहुत चौड़ा बनाया था, और गाइस इसके अंदर स्टील होने की वजह से ये बनने के बाद इतना ज़्यादा वेट हो गया, आई थिंक इसका 2 किलो के आसपास वेट होगा, बहुत ज़्यादा ये हैवी हो गया है। इसको मैंने अपने एक
वन पीस ड्रेस के साथ बनाया था। इस तरीके से आप इसको जब दबाओगे तो ये आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, तो ये अटैच करने वाला है, इस तरीके से आप एडजस्टेबल करने वाला है। तो आप इसको छोटा बड़ा जैसे भी चाहे आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक यूनिक जो है ट्रेंडी टाइप का मैंने इसको ब्रेसलेट बनाया है। आई होप गाइस कि आपको ये वाला ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके का इसका डिज़ाइन क्रिएट किया है ताकि किसी भी पार्टी या फंक्शन में ये ब्रेसलेट ऐसा ना लगे कि हाथ से बनाया हुआ या फिर बुरा फील ना दे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से इसका डिज़ाइन क्रिएट किया है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने ये वाले शाइनिंग वाले स्टोन यूज़ किए हैं। ये स्टोन गाइस बहुत महंगा आता है, आप थोड़ा सा भी ये स्टोन अगर आप लेने जाओगे ना तो ये आपको 200 से 250 के बीच में ही मिलेगा। ये स्टोन बहुत महंगा आता है, चाहे आप होलसेल में लीजिए चाहे आप रिटेल में लीजिए, ये आपको महंगा ही पड़ेगा। उसके बाद ये मेरे पास एक गोल्डन कलर का है इस तरीके के डिज़ाइन में। उसके बाद ये दो का सेट है ब्लू कलर का इस तरीके के डिज़ाइन में। मैं थोड़ा जल्दी दिखा रही हूँ आपको ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग बोर भी हो सकते हो। तो सब में मैंने अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट किया। उसके बाद एक और है गोल्डन कलर का, उसका इसका डिज़ाइन मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। उसके बाद मैंने अपने एक साड़ी से मैच करके इस तरीके का सेट बनाया है। ये भी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये हल्दी वगैरह की अगर रस्म है तो उसमें आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें पर्ल का यूज़ किया है। काफ़ी क्रिएटिव मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मैंने क्रिएट करके बनाया है इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये मुझे थोड़ा साइज में बड़ा है, उस समय मुझे अर्जेंट चाहिए था बैंगल्स और मेरे पास साइज अवेलेबल नहीं था, तो मुझे जो साइज मिला मैंने उसी में बनवा लिया इसको फिलहाल। सो गाइज ये तो हो गया ब्रेसलेट की बात और यानी कि बैंगल्स की बात। अब मैं आपको इयररिंग्स भी दिखाऊंगी, सिल्क थ्रेड और चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, तो इयररिंग्स नहीं दिखाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद मेरे पास एक पर्पल कलर का इस तरीके का मैंने इसको जो है एक ही हाथ का सेट बनाया है। अगर आप चाहे तो इस बीच वाले को निकाल सकते हैं, तो आप एक एक कड़ा भी वेयर कर सकते हैं इस तरीके से। और इसका कलर बहुत खूबसूरत है, इस कलर का मेरे पास कोई ड्रेस था उसके कलर के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको बनाया था। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है, कभी कभी सिंपल भी पहनने का मन करता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने एक सेट रेडी किया है ये इस तरीके से, और ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, इजी और सिंपल दिखने वाला है। ये चूड़िया मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है, इसको मैंने अपने एक कुर्ती से मैच करके बनाया है जो कि अभी मैंने रिसेंटली मंगाया है इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये एक हाथ का सेट है, अभी दूसरे हाथ का सेट रेडी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं एक ही हाथ का बना पाई हूँ, तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मुझे दूसरे हाथ का भी कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई चीज़ मिक्स नहीं हो पाती है या फिर मैच नहीं हो पाती है तो बहुत गुस्सा आता है। तो ये सेट मैंने पैरेट ग्रीन एंड येलो कलर का इस तरीके से बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक हैवी इयररिंग्स बनाया है जो कि सिल्क थ्रेड का है इस तरीके से, आप देख पाएंगे। ये टोटली ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, और इसको भी मैंने एक अपने हैवी साड़ी के साथ बनाया था। उसके बाद मेरे पास इस तरीके का एक इयररिंग्स है, जो भी है मैं उसको आपको फटाफट दिखा रही हूँ। तो इसी ये वाले बैंगल से मैच करके ही मैंने इयररिंग्स भी बनाया था, सेम कलर इंक्लूड किया है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा रेड रेड और जो है पर्ल चेन का यूज़ किया है, तो इसका डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से है। इस तरीके की इयररिंग्स हो गया, झुमका हो गया, पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और आप देख पाएंगे कि ये झुमका मेरे इस वाले ड्रेस से भी मैच कर रहा है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। सिर्फ थ्रेड ज्वेलरी जो है ना बहुत अच्छी लगती ही लगती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये ब्लैक वाला पहना हुआ है। सिल्क थ्रेड में मेरे पास सब ज्वेलरी हो और नथ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये नथ भी मैंने क्रिएट किया था, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से मैंने इस नथ को बनाया है, आप लोगों को याद ही होगा, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रखा है। ये काफ़ी बड़ा नथ मैंने बनाया है, कभी पहनने का मौका मिलेगा तो पहनूंगी, और चाहे कोई हंसे चाहे कोई कुछ भी। तो एक सेट ये हो गया इस तरीके से, एक सेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया।
तो ये थोड़ा सा छोटे साइज में है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद ये एक डार्क ग्रीन कलर का है, ये भी मेरी साड़ी से मैच करके मैंने बनाया है इस तरीके से। बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे सिल्क थ्रेड की ज्वेलरी बहुत पसंद है। उसके बाद अगेन एक ब्लू कलर का बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि ये भी जो है ब्लू कलर जो है मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। वैसे मेरे पास देखा जाए तो इयररिंग्स बहुत है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता है। सो गाइस, अब मैं आपको प्रॉपर एक दिखा देती हूँ। फर्स्ट ये हो गया मेरे इयररिंग्स, ये हाथ में ही नहीं आ रहा है। सेकंड जो है ये वाला हो गया, थर्ड ये वाला हो गया, फोर्थ ये वाला हो गया, फाइव ये वाला हो गया, सिक्स का पेयर नहीं मिल रहा है। मैंने बेबी पिंक कलर भी बनाया हुआ है इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट ये और जो है पर्पल कलर का है मेरे पास, इसको मैंने बहुत सिंपल बनाया है। मैंने यहाँ पे जो है स्टोन चेन और बॉल चेन लगा के बनाया है। इसको मैंने बहुत सिंपल रखा है इस तरीके से, और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे इसमें जो है गाउन के साथ भी मैच कर रहा है। तो इस तरीके की जो है झुमकियाँ तो होनी चाहिए। आप इसको सूट के साथ या फिर कुर्ती के साथ वेयर करोगे, बहुत ही प्यारा सा लुक। सो गाइस दैट्स इट, और बाकी जो कलेक्शन है वो मैं आपको अपने सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी। अभी के लिए वीडियो जो है बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ, यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप गाइस कि मेरा ये छोटा सा सिल्क थ्रेड ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और भी ऐसे ही कलेक्शन दिखाने के लिए मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी और भी कलेक्शन। सिल्क थ्रेड हो गया, मेरे पास अभी इयररिंग्स के और भी कलेक्शन है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, तो उसको मैं शेयर करूंगी बहुत जल्द ही। और अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। तो अभी के लिए बाय बाय, नमस्ते, राम राम।